नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। हाल ही में संसद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया, जिस पर अब अमेरिका का रिएक्शन सामने आया है। दरअसल संसद में राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए सरकार की घरेलू और विदेश नीति पर सवाल उठाए थे और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से दो भारत बन गए हैं, एक गरीबों का और एक अमीरों का। राहुल ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के चलते चीन और पाकिस्तान साथ आए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा था कि अपने आप से पूछिए क्यों आपको गणतंत्र दिवस पर कोई मेहमान नहीं मिल पाया, हम पूरी तरह से अकेले हो गए हैं और घिरे हुए हैं। आपने पाकिस्तान और चीन को साथ ला खड़ा किया और भारत के लोगों के प्रति इससे बड़ा अपराध आप कर नहीं सकते। अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने राहुल गांधी के बयान पर उठे एक सवाल का जवाब दिया और कहा कि अमेरिका भारत की विदेश नीति पर दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं करता। That it is due to Prime Minister Narendra Modi's ineffective foreign policies that Pakistan and China are closer than ever. Does the State Department agree with that assessment? I will leave it to the Pakistanis and the PRC to speak to their relationship. I certainly would not endorse those remarks. इस सवाल के जवाब में नेड प्राइस ने कहा कि मैं इसे पाकिस्तान और चीन पर छोड़ देता हूँ। वो अपने रिश्ते के बारे में बात करें, लेकिन मैं निश्चित तौर पर इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करूंगा। इसके बाद नेट प्राइस से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान चीन के साथ इतनी निकटता से क्यों काम कर रहा है, क्या आपको लगता है यूएस ने उन्हें अलग थलग छोड़ दिया है। इस पर नेट प्राइस ने कहा कि हमने दुनिया के सामने यही स्पष्ट किया है कि किसी भी देश को अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। जब अमेरिका के साथ संबंधों की बात आती है तो हमारा इरादा देशों को विकल्प प्रदान करने का रहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा रणनीतिक साझेदार है, हमारे इस्लामाबाद सरकार से अहम रिश्ते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को लेकर कहा कि आप खतरे को हल्के में मत लीजिए, आप चीन और पाकिस्तान को साथ ला चुके हैं। राहुल ने कहा कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि चीन के पास स्पष्ट योजना है, इसकी बुनियाद डोकलाम और लद्दाख में रख दी गई है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राहुल ने कहा कि आपने जम्मू कश्मीर और विदेश नीति में बहुत बड़ी रणनीतिक गलतियां की हैं, आपने दो मोर्चे को एक मोर्चे में बदल दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।